आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि थोड़े से थोड़े मक्खन में हम ज़्यादा से ज़्यादा घी किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये 2 लीटर दूध है, इसे खौला के मैंने रात भर रख दिया था। देखिए उसमें से कितनी मोटी मलाई निकली है। इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था, ये टूट गई, नहीं तो एकदम पराठे जैसी मोटी मलाई इसके अंदर आपको दिखाई देती। फिर भी देखिए दिख रही है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी निकली है। इसी तरह से मैं रोज़ दिन 2 लीटर दूध से मलाई निकाल के इसे रखती हूँ, और जब भी मलाई रखती हूँ उसके नीचे मैं थोड़ी सी दही रख देती हूँ ताकि उसका टेस्ट जो है वो अच्छा रहे। ये 1 हफ्ते का इकट्ठा किया हुआ मलाई है। अगर आपके यहाँ कम दूध आता है तो मलाई भी कम निकलेगी, तो उसे ज़्यादा दिन रखना पड़ेगा, तो वो मलाई जो है ख़राब ना हो जाए, उसके लिए आप उसे फ्रीज़र में रखा करिए। वो कभी ख़राब नहीं होगी, ना ही इसमें स्मेल आएगा। यहाँ पे एक जार में मैंने पूरी मलाई ले ली है, उसके अंदर 1 नींबू पूरा निचोड़ दिया है। उससे क्या है कि हमारा घी जो है वो साफ़ बनता है। बीज को पूरा निकाल देना है, उसमें पीसना नहीं चाहिए, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मलाई को जार में 2 मिनट चला लेंगे रुक रुक के, उसके बाद ठंडा पानी मिला देंगे जार में, और उसके बाद फिर से एक बार पल्स पे चला लेंगे। देखिए यहाँ पे मक्खन और मट्ठा दोनों अलग हो चुका है, अब इन दोनों को अलग कर लेंगे। मट्ठे को आप किसी भी काम में ला सकते हैं, या तो इससे कढ़ी बनाइए या फिर आप फ्रेश पीने के भी काम में इसको ला सकते हैं। और ये जो मक्खन है इसी से बटर बनता है जो मार्केट में आपको मिलता है, तो उसका बटर बनाने का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये देखिए कि एक मलाई जमा करके अगर आप रखते हैं तो उससे कितनी सारी चीज़ें आप घर के अंदर बना सकते हैं। इसी तरह से बार बार ठंडा पानी डालिए बार बार, और इस तरह से मक्खन को अच्छे से धो के उसमें से मट्ठा अलग कर लीजिए, जिससे कि हमें घी बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए मैंने 3 से 4 बार इसके अंदर ठंडा पानी फ्रिज का डाल के इसके अंदर से अच्छी तरीके से मट्ठे को अलग कर दिया। अब मक्खन को एक मोटे तले के बर्तन में गैस पर चढ़ाना है और लो फ्लेम पे इसे पकाना है। अब एक चीज़ सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे, 1 चम्मच आटा इसमें मिलाएंगे, जिससे कि हमारा बर्तन जो है वो गंदा नहीं होगा, सारा का सारा चीज़ जो है वो बर्तन के अंदर चिपकेगा नहीं, बर्तन हमारा बिल्कुल क्लीन रहेगा घी निकालने के बाद भी। इसे आपको छोड़ना नहीं है चढ़ा के, बराबर इसको चलाते रहना है। छोड़ देने से क्या होगा कि नीचे से जल जाएगा। देखिए धीरे धीरे मक्खन के अंदर से घी जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये जो मलाई मैंने जमा किया है वो गाय के दूध का है, इस वजह से आपको ये ज़्यादा ही येलो लग रहा होगा। और जब घी जो है बनने लगता है तो उसका एक चीज़ ये रहता है कि जो बबल्स हैं वो अपने आप ही छोटे छोटे बबल्स होने लगते हैं। शुरू शुरू में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बबल्स दिखते हैं। ये देखिए घी हमारा बन चुका है, अब इसको ठंडा होने देंगे। गरम गरम किसी भी चीज़ में आप इसको डालेंगे नहीं, इसको ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद किसी बर्तन में छान के रख लीजिए, उसके बाद किसी साफ़ कांच के बर्तन में इसे रखिए। जिस बर्तन में आप रखेंगे उस बर्तन को अच्छे से गर्म पानी में धो के उसे अच्छे से धूप में सुखा के उसके बाद रखिए, ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई नमी ना रह जाए और घी जो है हमारा बहुत दिनों तक चले, जल्दी ख़राब ना हो। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।